मेरा कैरेक्टर जो लड़का है, तीन ये जनरेशन की कहानी है, एक दादाजी हैं, एक बाप है और एक बेटा है। तो दादाजी रघुवीर यादव हैं, बाप मैं हूँ और बेटा ये लड़का है जो मेरा। अच्छा, अभी ये तीनों की रिलेशनशिप के ऊपर है कहानी, रिलेशनशिप्स उनकी कैसे, क्योंकि बच्चा जो है वो अकेला एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, बाप जो है वो लंदन में पाउंड्स कमा रहा है और दादा जो है वो गांव में अकेला पड़ा है, किसी को उसका ख्याल नहीं है। तो कैसे, और उसकी पढ़ाई पर किसी को ध्यान नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो अकेला है, किसी का कोई पैसा भेज देना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, तो उसको कभी पूछना या बैठना या दो चार बातें करना प्यार से या ऐसा कुछ नहीं होता उसके साथ, तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और दादा के पास आता है, उसके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो मुझे लगता है कि, और उसके बाद फिर तीनों ये कैसे मिलते हैं, इस प्रकार की ये कहानी है और एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा और पिछली फिल्मों से सबसे हटके एक रोल है मेरा इसमें। जैसे आपने बताया, कहीं ये फिल्म इस बात को उजागर करेगी कि आजकल की बहुत भागती दौड़ती जिंदगी में लोग रिश्तों की अहमियत भूल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जितना भागदौड़ और जितना फास्टनेस आज की लाइफ में आ चुकी है, टीवी और फिल्मों में, जो आजकल के आर्ट में भी, और जिस तरीके की फिल्में जो इतनी फास्ट हो गई हैं, ये एक ठहराव वाली कहानी और इशू बेस और बड़ी ही सेंसिबल सी एक फिल्म है, जो सीमित दायरे में रिश्तों को समझाती है और जो एक यूनिवर्सल है। आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में इस फिल्म को देख लीजिए, जैसा कि सराहा भी गया है कई फेस्टिवल्स में, बहुत सारे फेस्टिवल्स में अवार्ड भी लिया है, तो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए, ये आपको टच करेगी ही करेगी। सर, जिस तरह से आपने कहा फिल्म की कहानी काफ़ी जज्बाती लगती है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा लगती है, तो फिल्म का म्यूजिक बहुत अहम हो जाता है, आज म्यूजिक लॉन्चिंग म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक बहुत मधुर है और बहुत ही सिचुएशनल है, जिस सिचुएशन पे जैसा गाना चाहिए वैसा ही है। मस्ती वाला गाना भी है जो रघुवीर यादव ने गाया है, और बहुत ही एक मेरे ऊपर भी एक गाना है जो बहुत ही सीरियस है, लेकिन जो थोड़ा बूस्टअप करता है बच्चे को और समझाता है कि एक बार जो कठान लो तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और सीरियस गाना भी है, रोमांटिक गाना भी है, तो बड़ी वैरायटी है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार, ऐसा डाला हुआ नहीं है कि ऐसे ही कहीं भी आइटम सॉन्ग आ गया, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में नहीं, इसीलिए हाँ कहा मैंने, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके का एक रोल है वो मेरा एक विलेनिश इमेज से हटके है, जो एक काफी विलेन के रोल कर चुका हूँ तो एक बन चुका है, लेकिन इसमें जो है एक पढ़ा लिखा टाई कोट पैंट और लंदन में रहने वाला बिजनेसमैन, जिसका अपनी वाइफ से भी बात करनी है, उसके साथ भी रिलेशन उसका है, दादा से भी रिलेशन है, बेटे से भी रिलेशन है, और फिर गांव के और लोगों से, फिर जो क्या रिलेशन रिलेशनशिप्स की वैरायटीज हैं, फिर ऑफिस के जो लोग हैं उनसे भी कैसे डील करता है, तो इट्स अ वेरी वर्सटाइल काइंड ऑफ रोल एंड बहुत वैरायटी थी और एक चेंज था। मुझे लग रहा है ऑडियंस आए और बिल्कुल एक सेंसिबल अच्छी कहानी देखने के लिए और अपने कुछ यादें पुरानी ताज़ा करने के लिए, क्योंकि हर इंसान किसी का बाप या किसी का माँ या किसी का बेटा या किसी का दादा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होती है, छोटे बच्चे से लेकर के एक बूढ़े इंसान तक हर व्यक्ति इस फिल्म को देख सकता है, और हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एज के ग्रुप के लोग इसको अपने आप से कनेक्ट करेंगे, फिल्म को, इस कहानी को। सही है, लुक गया।